ठीक है दीपांशु जी का पहले तो भव्य स्वागत है। हम ताली बजा के स्वागत करते हैं। ठीक है, और सारे बच्चे लोग कर सकते हैं जो भी इस क्लास में हैं अभी। हाँ, सभी को विशेष याद प्यार आपका। और हम रियली अपने को आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसा टॉपर, एक हाईएस्ट स्कोरर जो हम लोग के क्लास में है और इसी प्लेटफॉर्म पे रह के ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो हमें बहुत खुशी है ना। और विशेष तौर पे आपके डिपार्टमेंट को भी बहुत खुशी होगी कि एक ऐसे ऑफिसर्स को उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी जगह दी है। तो आपके प्रमोशन पे भी आपको बधाई, और आपके आने वाले जीवन के और जो कुछ भी आपके अंदर मनोभावना है उसको पूर्ति करने के लिए हमारा विशेष आशीर्वाद, स्नेह और अभिनंदन हो। ठीक है, हाँ। तो इस कड़ी को हम बच्चों को विशेष तौर से, हम कुछ बच्चों को बोला है कि देखो भाई, आप लोग जैसे ही स्टार्टिंग में अपने दीपांशु जी थे, क्लास ज्वाइन किए, हमें पता नहीं था कि ये छुपे रुस्तम हैं और ये रतन हैं हमारे क्लास के। और इन्होंने कैसी मेहनत की, कैसे इतना बड़ा अचीवमेंट किया, आप सभी लोगों को पता ही है। इनका हाईएस्ट स्कोर है अपना जो भी सीएजी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो ऑडिट के हैं, चाहे वो मैं दिखा देता हूँ रिजल्ट इनका। देखो, ये कुछ बच्चे अभी क्लास में आने वाले हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, शिवाय ओम। हाँ ठीक है, देखो ये रिजल्ट है बच्चे, है ना। इस रिजल्ट में, ये सीएजी की तरफ से रिजल्ट है, इसमें सिविल ऑडिट का, सिविल अकाउंट्स का, सिविल ये कमर्शियल ऑडिट, डिफेंस ऑडिट, पीएनटी ऑडिट और रेलवे ऑडिट, इतने तरह के एग्ज़ाम्स सीएजी कंडक्ट करते हैं। और सीएजी के एग्ज़ाम्स में ये एक ब्यूटी सबसे अच्छी मुझे लगती है कि इन्होंने जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है उसमें इन्हें इनाम का एक सिस्टम रखा है, रिवार्ड का। क्योंकि रिवार्ड जो है आदमी को, आने वाली पीढ़ी को भी प्रोत्साहित करती है, और जो इतना मेहनत किया उसको भी एक प्रतिफल मिलता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव है, और डिपार्टमेंट में भी हो तो अच्छा है। तो इसमें देखो, इस कैटेगरी में लोगों ने अपने अपने कैटेगरी में, जैसे सिविल ऑडिट हो गया, सिविल अकाउंट्स हो गया, कमर्शियल ऑडिट और ये डिफेंस ऑडिट और ये रेलवे ऑडिट, तो 1 2 3 4 5 पांच तरह के एग्ज़ाम्स हैं। उसमें सभी टॉपर्स हैं, सभी ही टॉपर्स हैं अपने अपने कैटेगरीज के। तो इस कैटेगरीज में टॉपर और जो दीपांशु जी का जो अचीवमेंट है, उन दोनों में क्या विशेष डिस्टिंग्यूशन है कि इन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया हुआ है। आप इनका मार्क्स देखो, इनका मार्क्स है 60। ये हमारे यहाँ पे हैं दीपांशु जी, ये हैं 73.67 मार्क्स है, 73.67 मार्क्स है दीपांशु जी का। और भी एक जेंटलमैन है, उनका भी इतना ही है, यानी दो लोग जो हैं इसी कैटेगरी में आके खड़े हुए हैं, मतलब एक ही पोडियम पे। हाँ हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। तो आंध्र प्रदेश से संदीप के यहाँ से, और संदीप जी के साथ ही पढ़े थे दीपांशु जी। तो ये भी अपना, दोनों लोग एक ही पोडियम पे खड़े हैं, दोनों ही रैंक वन हैं, दो बच्चे ऑल इंडिया रैंक वन के हाईएस्ट स्कोरर है 73.67। बाकी 73.67 किसी कैटेगरी में नहीं है, आप रिजल्ट आप देख सकते हैं, ये क्लियर रिजल्ट है। तो इसलिए मैं इनको हाईएस्ट स्कोर कहता हूँ। ये जो दूसरा जेंटलमैन है विजय, ये भी हाईएस्ट स्कोरर हैं, क्योंकि जब दो कैंडिडेट्स के एक ही मार्क्स आते हैं तो दोनों को एक ही माना जाता है, ये आपने पहले भी देखा होगा। तो इस तरह का ही सिचुएशन हुआ है दीपांशु जी और ये राघव के, रघुराम यदुवंशी, है ना, इनका भी। तो सभी बच्चों को, हमारे बच्चे विशेष दीपांशु जी को और भी बच्चे जिन्होंने टॉप किया है अपने अपने कैटेगरीज में, सभी को शुभकामनाएं हैं। और उनसे प्रेरणा लेने लायक बात है। देखो, ये पहला जो रिवार्ड होता है वो 10,000 का है, फिर 6,250 का है, फिर 4,000 का, फिर है 2,500 का। तो आप बच्चे भी ऐसे रिवार्ड ले सकते हो, दीपांशु जी ने प्रूव करके बताया है। इसमें देखो कैटेगरीज, देखो आप कहाँ से शुरुआत होती है इसमें।
ये सूर्य प्रताप रघुवंशी जी हैं, वो डायरेक्ट डबल ए ओ हैं। तो इसमें सारी देखो इस कैटेगरीज में जो भी बच्चे जो टॉप कर रहे हैं मोस्टली देखा जाए तो डायरेक्ट डबल ए ओ हैं इसमें यहाँ तक। फिर एक डी ओ भी हैं, फिर ये अकाउंटेंट हैं रघु राम जी और दीपांशु जी, और बाकी एक डी ओ और भी हैं, एक अकाउंटेंट भी हैं। डायरेक्ट डबल ए ओ उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ये बाकी सब में डायरेक्ट डबल ए ओ है ना, रेलवे में चाहे पीएनटी में ये, बट इसमें डीओ भी हैं अकाउंटेंट भी हैं। तो ये कभी भी बच्चों को ये ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा तो क्वालिफिकेशन या हमारा जो डिजिग्नेशन ये कम है या ज़्यादा है तो मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि दीपांशु जी प्रूव करके दिखाए हैं कि इसी क्लास के होते हुए और अकाउंटेंट होते हुए भी इन्होंने वो जो डायरेक्ट डबल एओज हैं, डायरेक्ट डबल एओज, तो उनको भी इन्होंने बीट किया है। क्योंकि इतना 73.67 मार्क्स तो किसी ने नहीं लाया, किसी डायरेक्ट डबल ए ओ जो है उन्होंने भी नहीं लाया है। तो ये इनकी मेहनत का है, ऑलराउंडर्स का कोई इसमें खास क्रेडिट नहीं है, ऑलराउंडर्स तो सभी बच्चों को नहीं, ये तो आपकी महानता है जो ऐसा तो वो तो देखो हम ऑलराउंडर्स के तो जैसे एक कोच होते हैं, कोच पीच पे नहीं आते हैं, पीच पे तो बैट्समैन ही जाके रन बनाते हैं, लेकिन कोच पीछे बैठ के खूब अच्छा से इंजॉय करता है कि हाँ हमारे बच्चे, हमारे कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तालियां बजती हैं तो कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कैंडिडेट्स ने ही मेहनत की होती है, कोच तो चलो किसी टाइम पे अपने बच्चों को गाइड किया होगा बट दिल से तो कैंडिडेट्स नहीं किया होगा। हम कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, कुछ फॉर्मल चीज़ें, फिर आपको बच्चे जो हमारे क्लास में वो भी आपसे, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी देंगे, वो भी आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको तो विशेष बधाई हो ऑलराउंडर्स की तरफ से और हमारे सारी साथियों की तरफ से, स्टूडेंट्स के, कैंडिडेट्स की तरफ से, और सीएजी की तरफ से तो विशेष बधाई आपको है ही क्योंकि ऐसे ऑफिसर उनको मिला। अच्छा आप ये बताइए कि आपको ऑल इंडिया रैंक वन में कहता हूँ क्योंकि आप हाईएस्ट स्कोरर हैं, तो ऐसी प्राप्ति होने पर आपको कैसी महसूसता हो रही है? वेरी गुड। हाँ अच्छा, क्या आपको ऐसा जब आप तैयारी कर रहे थे तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि आप हाईएस्ट स्कोरर होंगे, नंबर वन रैंक लाएंगे ऑल इंडिया में? हाँ, वो तो है। हाँ ठीक है, नहीं आपने पहले से ऐसा टारगेट सेट किया था कि मुझे नंबर वन बनना है? हाँ जी। मतलब बीज आपने डाला था है ना, बीज मन में, संकल्पों का बीज डाला था कि हाँ सभी बच्चों को डालना चाहिए। देखो ऐसे प्राप्ति नहीं होती है, ये दीपांशु जी प्रूव करना चाहते हैं, अपने हिडन सीक्रेट बता रहे हैं हमें कि आपको अचानक कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है। यदि आपने कोई आम का बीज नहीं डाला है और सोचते रहें कि आम हमारे को मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। आपके मन के अंदर, अंतर मन में एक संकल्प जरूर डालना होगा कि मैं पास हो जाऊं, मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं और मैं टॉप रैंक में पास हो जाऊं। जो भी आप बीज डालेंगे बच्चे, उसी की रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपने हाँ, तो ये इन्होंने अपना सीक्रेट, हाँ, शाबाश। तो आप सब बच्चे सुन भी रहे हैं और ये आप, हम आपकी जो सीक्रेट्स है ये यूट्यूब पे हम एक बार डालेंगे भी ताकि और भी बच्चे इससे लाभान्वित हों, है ना। और अपना थोड़ा एक इंट्रोडक्शन हमें बताइए, क्योंकि आप स्पेशली ये हमें बताएं कि आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, किस लोकेशन पे, यदि आप डिस्क्लोज करना चाहें कुछ चीज़ें अपनी सीक्रेट अपने इंट्रोडक्शन में, तो आप अपना
परिचय बताएं हमें। वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो, इनकी जर्नी एक स्ट्रगल वाली जर्नी रही है। तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात, इन्होंने पीछे भी बहुत अपने को प्रूव किया हुआ है। बट एक नियति जरूर होती है, एक समय जरूर होता है जब हमें जो चीज़ मिलनी हो और जिस समय मिलनी हो तभी वो हमें प्राप्त होती है। तो ये भी हमें स्वीकार करना चाहिए। और इन्होंने बताया कि आज नहीं तो कल, देखो ये अपने लक्ष्य पे टिके रहे तो आज एक अच्छे ऑफिसर बने हैं अपना सीएजी डिपार्टमेंट में। और हाईएस्ट स्कोरर का तो एक अलग रुतबा है ही, वो एक लाइफ की हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री मेकर बने हैं ये। तो ये तो ग्रेट अचीवमेंट है। तो नेक्स्ट भी एक और हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप जो एसएएस की तैयारी कब से शुरू की है और कितना समय लगता है इसको करने में? हाँ जी हाँ जी अच्छा जी हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी ठीक। 6 महीने चाहिए हाँ, मिनिमम मिनिमम 6 महीने। हाँ, मतलब 6 महीने में फिर उसमें कोताही नहीं करनी होगी। 6 महीना मतलब मिनिमम 6 महीना, बाकी मैक्सिमम 1 साल तक, है ना? अच्छा स्कोर करने के लिए। शाबाश। देखिए, इनके हम सीक्रेट जान रहे हैं क्योंकि टॉपर्स की सीक्रेट तो टॉपर्स ही बता सकते हैं ना। इन्होंने कैसे कितना गोल सेट किया, कितना टाइम लिया, और ये सच्चाई बता रहे हैं तो इसको हमें यूज़ करना चाहिए बहुत। हाँ हाँ जी हाँ 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 नॉर्मली के। हाँ अच्छा वेरी गुड। और हाँ, देखो ये अपना सीक्रेट खोल रहे हैं बच्चे। नॉर्मली ये हमें पता नहीं होता है, हम लोग जिस सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं कि ये PC1 या PC4 ये तो ऐसे ही हाथ से ही हो जाएगा, या PC2 या PC3 तो ऐसे ही अचानक हो जाएगा, और ये बोल रहे हैं कि नहीं, हमें इसी में सबसे ज़्यादा डीप फोकस करना चाहिए ताकि स्कोरिंग अच्छी हो जाए। ठीक है। हाँ शाबाश। तो एक एक चीज़ सबको नोट कर लेना चाहिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं या जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, कि हमें ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि PC1 से लेकर PC4 तक के लिए डीप फोकस, डीप तैयारी और एक्यूरेसी लेवल बढ़ानी चाहिए। ठीक है, एक नई चीज़ हमें सीखने को मिली। दूसरा, हाँ हाँ
हाँ देखो वेरी गुड। हाँ 91 मार्क्स इनका आया है संतोष जी, ये बहुत ही रेयर मार्क्स है, क्योंकि बच्चे आजकल PC4 में बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, और इसी PC4 में इन्होंने सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी लाया है। तो ये हमारी कमी है, यदि हम ठीक से नहीं कर पाते हैं सिस्टम्स की या पेपर सेटर की, इसकी कमी नहीं है। नॉर्मली हम लोग ब्लेम गेम करते हैं कि इसके चलते उसके चलते हमारा ख़राब हो रहा है पेपर, बट इन्होंने देखो पहले से ही सेट किया है कि PC4 में अच्छा लाना है, तो PC4 की अच्छी तैयारी भी की और उसके हिसाब से इन्होंने स्कोर करके प्रूफ भी कर दिया। तो हम सभी को ध्यान देना है कि PC4 पे हमें अच्छा स्कोर करने का समय भी मिलता है, और इस अपॉर्चुनिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हाईएस्ट स्कोर में। हाँ 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 जी हाँ 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 शाबाश। देखो इनकी हाँ 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 तो सबको सीखना बच्चे, जो PC2 में जो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं क्वेश्चन को हरा के ही रहूँगा, तो ऐसी स्ट्रेटजी नहीं अपनाओ बच्चे। जो PC2 है जिसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको बाद में करो या स्किप कर दो, जैसा दीपांशु जी ने बताया बच्चे, ठीक है। ओके नेक्स्ट को हम आपसे जानना चाहेंगे कि SS की तैयारी के लिए आपने मटेरियल कहाँ कहाँ से और क्या क्या इकट्ठा किया, क्योंकि एक मटेरियल सिलेक्शन भी बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने सफलता के लिए और अपनी तैयारी के लिए, तो वो भी हम अपना सीक्रेट बताएं। हाँ शाबाश शाबाश। हाँ हाँ तो इंटरनेट से हम हाँ इंटरनेट से कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ खोजनी चाहिए। शाबाश। हाँ क्योंकि आप हाँ 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 ठीक है, तो इंटरनेट से हमें बहुत कुछ मदद मिलती है तैयारी में। हाँ और जो और भी इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अलावा, इंटरनेट पे सब कुछ तो हम ले लेंगे तो फिर वो हमारे लिए वॉल्यूमिनस भी हो सकता है ना। हाँ 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 ठीक है, तो कुछ हाँ 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 अच्छा हाँ 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 तो SS की हाँ तो एक चीज़ और भी यहाँ हमें सीखने को मिल रहा है कि कोई चीज़ पहले से जो पूछी जा रही है या जो पहले से मटेरियल अवेलेबल है तो सिर्फ उतने से ही काम नहीं चलेगा, आपको नई चीज़ें भी सीख के रखनी पड़ेगी, क्योंकि नए क्वेश्चंस आ जाते हैं तो सिलेबस में ही, और वो चूंकि रेगुलर नहीं आते हैं, और रेगुलर नहीं आते हैं तो बच्चे तैयार करके नहीं जाते हैं, तो वहाँ पे उसका लूप होल्स हो जाता है, बच्चे वहीं वीक हो जाते हैं और पेपर ख़राब हो जाता है। तो दीपांशु जी ने ऐसा कोई भी चांस लिया नहीं, इन्होंने
वो चीज़ें भी पढ़ के गई जो सिलेबस में है और जो नहीं पूछी जाती थी, और हुआ ऐसा ही कि वो पूछ दी गई और इनका स्कोर उसमें अच्छा हो गया। ठीक है, वेरी गुड। ये है स्टेट जी बच्चे, देखो इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। आप सभी बच्चे इनका इंटरव्यू सुनोगे या फिर बार बार भी सुनना, आप देखना ये अपनी कितना सीक्रेट आपको बता रहे हैं। नॉर्मली कोई बताता नहीं है, क्योंकि अचीवर जो होते हैं वो पीछे कितना मेहनत किए होते हैं वो किसी को पता नहीं चलता है। अब देखो ये एक एक चीज़ बता रहे हैं तो हमें लग रहा है हाँ हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं और जो टॉपर्स हैं जो हाईएस्ट स्कोर हैं वो क्या पढ़ते हैं, है ना। वेरी गुड। एक और भी हमें चीज़ बताएं कि मटेरियल जो हमें मिल गया इंटरनेट से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं किसी बुक को हमने परचेस कर लिया, तो उसमें हमें और क्या क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो तो उसमें रॉ मटेरियल्स ज़्यादा होते हैं और सॉलिड मटेरियल्स कम होते हैं, या कैसे हमें जानना चाहिए कि यही चीज़ ठीक रहेगी ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी, इसको डिसाइड कैसे करें। हाँ जी। हाँ हाँ ये भी हाँ 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 शाबाश। ये चीज़ भी हमें बहुत अच्छी समझ में आ रही है कि मटेरियल्स जितना मिलता है उतना नहीं पढ़ सकते हैं और ना उतना पढ़ना चाहिए। यदि कोई पुराना एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट मिलता है या जिसने कभी पेपर दे रखा है और अपने नोट्स को उस हिसाब से तैयार कराया है, उस तरह की नोट्स कोई मिल जाती है तो उस हाइलाइटेड नोट्स को भी आप डिसाइड करो कि ये चीज़ें कितनी यूजफुल हैं और फिर उसको अपना नोट बना लो और उसको आप टाइम बैंड अगेन कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करो। यही बता रहे हैं दीपांशु जी। एक चीज़ और भी, हाँ, मिनिमम 2 से 3 बार आपको इसको रिवाइज जरूर करना चाहिए। जितना आपने पढ़ा है, पढ़ने से ज़्यादा है कि आपने उसको कितना कितनी बार आत्मसात किया है और उसको कितनी बार पुनरावृत्ति की है, ये बताना चाहते हैं। हाँ। हाँ 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 तो याद भी रखना है। कई बच्चों की मन में गलतफहमी होती है जिसको दूर कर रहे हैं दीपांशु जी, कि आप केवल प्रैक्टिस नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट तो 1 से लेकर 4 तक पीसी तक है ही, बाकी जो 8 से लेकर 21 22 जो भी पीसीज हैं उसमें आपको याद भी रखने वाले कंटेंट भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो याद का और प्रैक्टिस का दोनों का बैलेंस रख के ही आपको पेपर देना होगा, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, जो नॉर्मली सभी बच्चों को सभी कैंडिडेट्स की होती है कि हमारे ऑफिस में बहुत काम है, मैं इस टेबल पे काम करता हूँ, इस वर्किंग डे ख़त्म हो जाने के बाद भी मुझे करना पड़ता है या कभी सैटरडे को भी ऑफिस जाना पड़ता है, और घर में भी मेरे को बहुत फैमिली प्रॉब्लम है, बच्चों को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, सारे रिलेशंस को देखना है, मतलब तरह तरह के मैं इसको बहाना तो नहीं कहूँगा, ऑब्लिगेशंस तो हैं ही, बट ये तो सभी के साथ हैं। आप खुद ही एक व्यस्त ऑफिस में हैं और आपका भी खुद का व्यस्त टेबल रहा है, बहुत जिम्मेवारी रही है, तो आपने 9 के 9 पेपर एक साथ निकाले हैं और पहले चांस में निकाले हैं और हाईएस्ट स्कोरर हैं, ऑल इंडिया के नंबर 1 रैंक स्कोरर हैं, तो आपने कैसे इसको मैनेज कर लिया? आपके साथ भी तो यही चैलेंजेज आए होंगे। अच्छा तो इसमें हाँ हाँ
अगर आप वैसे बिना वीडियो के ही अगर आप ऐसे जस्ट समझ जाओ अगर ऐसे नहीं भी है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। तो काम तो मुझे करना है और बात सारी चीज़ें मैनेज करना है, तो ये इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे मैनेज करते हैं। हाँ, तो नहीं, आप अपना मैनेज बताएं, आपने क्या सोना कम कर दिया या टीवी देखना कम कर दिया, मोबाइल क्या कम किया, क्योंकि टाइम तो 24 घंटा है, उसमें से 8 घंटा तो आप बोल रहे हैं कि ऑफिस में बिजिएस्ट पर्सन में से आप भी थे, बाकी आपने फिर कैसे मैनेज किया वो भी थोड़ा सीक्रेट आप बताएं, हम बच्चों को लगे कि वो कैसे मैनेज करें। तो हाँ, जैसे हाँ, देखिए ये कह रहे हैं कि यदि आपको पहली बार में 9 पेपर निकालने हैं और अच्छे हाईएस्ट स्कोर वाले नंबर निकालने हैं, तो आपको नींद की कमी करनी पड़ेगी, नींद कम करना पड़ेगा, निद्राजीत बनना पड़ेगा, और ये निद्राजीत का ही रिजल्ट है कि आज ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपने को ये सभी के लिए एक मॉडल रोल मॉडल की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो हम सभी सर, मैं लोग एक और बात बोलना चाहूंगा सर आपको, कि अगर ऐसे किसी पेरेंट को भी अगर मैं बात करूँ तो मेरे को 100 मतलब अगर इवन परसेंटेज काउंट करूँ तो 80% मैं शनिवार को सर ऑफिस के लिए जाता हूँ। हाँ, देख लीजिए ऐस हाँ, देखिए देखिए कमाल है, एक ये एक टॉपर की ये ऑफिस की पोजीशन है कि उसको हिलने तक का टाइम नहीं है, और मंडे टू फ्राइडे की तो बात छोड़िए छोड़िए, सैटरडे को भी उनको ऐसा 80% लगभग, यानी मान के चलिए कि एक ही दो या 10 सैटरडे रहे होंगे पूरे साल में कि जो उन्होंने ये नहीं गए, अदरवाइज ऑलमोस्ट सैटरडे को ऑफिस जाते रहे। तो हमें ये प्रेरणा का इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि बिजिएस्ट सर होने कोई के। ना, इसको हाँ इसीलिए इसको इधर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हम, हाँ वही कह रहे थे सर कि आपको हाँ मैनेज करना है। मैनेज करना पड़ेगा, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हाँ प्रायोरिटी क्या है उसके हिसाब से। जैसे घरों में शादी विवाह होता है तो रातों को नींद भी नहीं आती है, फिर भी वो हम सारा काम करके और फिर अपने को हल्का महसूस करते हैं, उसी तरह ये भी है। आपकी प्रायोरिटी यदि है, आपको लगता है कि शादी विवाह या बड़े फंक्शन जैसा कोई कार्य आपके सामने आ गया है, तो आप खुद ही मैनेज कीजिए और निद्रा को जीत के आप अपनी तैयारी कर लीजिए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, वो जो स्वाद आएगा, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सभी आपके चाहने वालों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताएंगे दीपांशु जी, कि कुछ लोगों के ऐसी भ्रांति है या कुछ स्ट्रेटजी होती है कि बोलते हैं कि 9 की 9 PC एक साथ करना ठीक नहीं है, और बहुत सारे मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं, वो 5 PC को एक साथ ले लेते हैं, फिर अगले 4 PC को बोलते हैं अगली बार कर लेंगे, तो या फिर करते रहेंगे, कुछ इस तरह की योजनाएं भी उनकी होती हैं, तो क्या वो स्ट्रेटजी ठीक है आपकी नज़रों में? सर ऐसा मेरा मानना बिल्कुल नहीं है, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब माइंड सेटअप जो है हमेशा इसी तरह का होना चाहिए कि मेरे को एक ही बात करना है, और लेकिन अनलेस आपके पास अगर लाइफ में कोई अपोजिट सर्कमस्टेंसेस नहीं है, क्योंकि अपोजिट सर्कमस्टेंसेस जो है वो आपके हाथ में तो है नहीं, हाँ जी लेकिन अगर ऐसा देखो नॉर्मल है तो आपको माइंड सेटअप हमेशा इसी तरह से रखना है कि मेरे को एक बार में ही करना है। हाँ, अगर एक मेरे बार लाइफ में में ही आपके करना। पास कोई अपोजिट हाँ सर्कमस्टेंसेस नहीं है हाँ तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई कठिन परिस्थिति नहीं है या बिल्कुल ही मतलब कोई आपके हार्डेस्ट चैलेंजेस नहीं है लाइफ की, तो एक साथ प्लानिंग करो, और एक साथ प्लानिंग करने से एक पेपर दूसरे पेपर के साथ इंटर रिलेटेड होता है, तो 9 की 9 PC तैयार करना बहुत इजी है, किसकी तुलना में कि केवल 5 या 4 PC तैयार करें, क्योंकि एक पीसी दूसरे पीसी के लिए हेल्प करती है, एक ईंट की तरह है, एक ईंट पे दूसरी ईंट रखेंगे तो उसका बैलेंस बन जाता है, उसका यूज हो जाता है, उसी तरह पीसी की तैयारी में भी है। और यही बताना चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा बहुत ज़्यादा परेशानी वाली यदि परिस्थिति ना हो, अपोजिट परिस्थिति ना हो, विपरीत परिस्थितियां आपके पास ना हो, तो आप 9 PC एक साथ लीजिए और आपको सफलता मिलेगी, और वो भी ग्रैंड सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये थोड़ी सी ऑकवर्ड में आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए आजकल जो है यूट्यूब पे तो बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे वीडियोस आपको फ्री मिलते हैं, है ना, और ऑलराउंडर क्लासेस तो एक पेड क्लास है, फीस भी लगता है, तो आपने इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने इंटरनेट से या सारी चीज़ों से जो आपने लाभ लिया, उसके अलावा भी ऑलराउंडर क्लासेस क्यों ज्वाइन किया, ये व्यक्तिगत सवाल है आपका। हाँ जी
उसके साथ साथ मैं जो है उस चीज को अच्छे से अंजाम दे सकता हूँ। मेरा मेन जो ध्यान तो यही था, और जो मुझे लगता है कि सर ने काफी अच्छे से उस चीज को मतलब किया, मतलब शिक्षक काफी अच्छे शिक्षकों को भी मिली, और वो चीज जो मैंने सोची थी वो भी बहुत अच्छी सोची थी, अच्छा, पूरे सिलेबस को एकदम रट्टा बराबर किया था। यानी आप ये और ये बहुत कड़ी मेहनत थी कि सर ने मतलब बहुत अच्छे से बहुत ही सभी चीजों को मतलब मैनेज किया, और हम सभी लोगों ने कुशलता के साथ पूरी मेहनत के साथ उन चीजों को खत्म किया। अच्छा, यानी ये कहना चाहते थे कि जो इसको भी एक क्लैरिफाई कर दिए, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट रहता है, क्योंकि क्लासेस तो करने के बाद ही उसका पता चलता है, और आप चूंकि क्लास किए हैं, तो एक चीज़ और भी बता दीजिए कि जो सोचकर आप ऑलराउंडर क्लासेस ज्वाइन किए थे, क्या ऑलराउंडर क्लासेस उसी तरह की है, यानी अपेक्षा आपकी जो थी उस पे जो क्लास है वो खरा उतरता है, या बीच में धोखा भी देता है, या कुछ कमियाँ भी बताएं ऑलराउंडर क्लासेस की? मेरे हिसाब से सर यही है कि आपने जो भी पढ़ाया और किया है ऐसा एकदम बेस्ट है, मतलब बढ़िया है एकदम, और इसमें कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो आप लेकिन उसमें सर चीजें इतनी ज्यादा है कि आपको कमी ढूंढने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पहले उतना ही कर लेंगे, एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो कोई सुझाव है ऑलराउंडर क्लासेस के लिए आप अपनी तरफ से, चूंकि आप टॉपर हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी टॉपर प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमें खुशी जितनी आप लोग आपने टॉप करके दिखाया, आपको तो खुशी है ही, आपके पेरेंट्स के, रिलेटिव्स के, सबको खुशी है, लेकिन मैं बताऊं, और मैं दुनिया का सबसे हाईएस्ट हैप्पी पर्सन हूं, यदि आपको मैं बताऊं अपनी दिल की बात, तो आपका रिजल्ट देख के आपका मुझे जो मैं आसमान पे उड़ने लगा था जब आपका रिजल्ट सुना, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह के कैंडिडेट्स मैं फ्यूचर में भी प्रोड्यूस कर पाऊं, ऐसे कैंडिडेट्स मुझे मिल पाए, तो कुछ ज़रूर आप सुझाव दें यदि आपके मन में कुछ बात है कि हम क्लास को और भी कैसे डेवलप कर सकते हैं तो. ऐसा तो कोई था नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरे को मतलब आप ये कह सकते हैं सर कि पीजी फोर हाँ जी, या थोड़ा सा पीजी वन में थोड़ा सा मदद कर हाँ सकते हैं, अच्छा, ठीक है, क्योंकि हम सर आपके बहुत सारे चीजें हैं। हाँ ठीक है, हम क्योंकि आप पीजी टू और सर पीजी थ्री तो सर बहुत अच्छे से किए थे आपने, वो बहुत हाँ अच्छे थे, मतलब हाँ उसका मतलब आउटस्टैंडिंग, क्योंकि पीजी टू में जो सर टेस्ट होते थे वो उसमें सर मतलब रियली काफी अच्छे क्वेश्चन आप पिक करते थे, तो रियली मजा आ जाता था उसमें सर में। तो सर सुझाव अगर आपने मांगा है तो मैं कह सकता हूँ हाँ कि वैसा कोई सुझाव है नहीं, लेकिन फिर भी आप पूछा है आपने पीजी वन में और पीजी फोर थोड़ा सा उसमें ठीक है, मतलब हम करेंगे, अब हम आपके सुझाव को ध्यान में रखते हुए कि PC1 और PC4 पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और हर चीज़ को और क्लैरिटी के साथ बच्चों के सामने रखेंगे, ताकि उनको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म और रेडीमेड चीज़ें मिले, ताकि वो उनको खाने का ही मेहनत करना पड़े, बनाने का मेहनत ना करना पड़े, है ना? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। और हम एक दो चीज़ और जानना चाहेंगे कि हमारे जो SS के एस्पिरेंट्स हैं, अभी कुछ यहाँ पे हैं, बहुत सारे बच्चे, चूंकि YouTube पे वीडियो जाएगी तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे भी, उनको भी प्रेरणाएं मिलेंगी, और उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? रिवीजन बहुत जरूरी है, आप भले ही एक बार पढ़ लीजिए उससे काम नहीं चलेगा, रिवीजन बहुत जरूरी है। और टेस्ट जो लगाकर आपको कोई क्वेश्चन बैंक लिया, मतलब जैसे आपका टेस्ट सीरीज है, उसको करना बहुत जरूरी है, आप जितनी बार करेंगे उतनी ज्यादा आप रिफाइंड होंगे, हाँ तो वो करना बहुत जरूरी है। मिनिमम जो है 2 से 3 टाइम्स आपको सिलेबस कवर करना है, हाँ और क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि उस चैप्टर के वो तो आप करेंगे ही, लेकिन एक पूरे सिलेबस के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर फिर आपको मतलब एक पेपर यानी कि प्रैक्टिस करनी है विद इन टाइम। तो अच्छा, टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ पीसी वन में पीसी टू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि अगर आप 2 घंटे के अंदर खत्म करना है आपको, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं मैं कर लूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। और पीसी फोर में बाकी सब्जेक्ट में आपको जो है टाइम मिल सकता है कि हाँ 2 घंटा बहुत पर्याप्त समय है, लेकिन पीसी वन और पीसी टू एंड पीसी फोर ये मतलब सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें टाइम आपको कम लगेगा, अच्छा, तो इतनी प्रैक्टिस आपको खुद घर पे करनी है बस, मतलब विद इन टाइम लेते हुए। देखिए, इनका सुझाव बहुत अच्छा है, जो भी एस्पिरेंट्स सुन रहे होंगे यूट्यूब पे, तो उनको विशेष PC1 और PC3 और PC2 और PC4, ये टाइम फैक्टर वाले PC हैं, इसमें टाइम का मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट जाके आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, घर से ही प्रैक्टिस करनी है कि विद इन
टाइम आप कैसे कवर कर पाते हैं। तो घर से ही वो प्रैक्टिस करके जाएं, वहां पे तो बस जाके आपको करना ही हो, रिहर्सल का सारा जो काम करना है वो आप घर पर करें, तो ही ये पीसी आपकी निकलेगी, ये बताना चाहते हैं। अच्छा अब आप सीरियसली लेना है PC3 को। हाँ ओके जी। अच्छा और आपके थोड़े पर्सनल लाइफ के बारे में आप बताएंगे कि आप अपने जीवन में अब क्या क्या करना चाहते हैं। हाईएस्ट स्कोरर तो हैं ही, CAG डिपार्टमेंट, IND डिपार्टमेंट को तो आपके ऊपर बहुत नाज है। आप देश के लिए या समाज के लिए या अपने इर्द गिर्द में जितनी आपकी संभावनाएं बनती हैं उसमें आप क्या क्या करना चाहते हैं, वो भी थोड़ा कुछ बताएंगे। हाँ जी हाँ जी बहुत 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 ओके वेरी गुड शाबाश। देखिए ये बहुत बहुत बड़ी ऊंची जिज्ञासा इन्होंने अपनी जताई कि अपने जीवन में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जिनको कुछ जीवन में मिल नहीं रहा, ऐसे गरीब तबके के लोग, उनको ज्ञान देना चाहते हैं, धन देना या फिर उनको कोई मकान देना या उनके लिए कोई अरेंजमेंट करना, ये तो कोई भी रिच आदमी कर सकता है, लेकिन ये रिच दूसरे तरह से कराना चाहते हैं, उनको ज्ञान धन दे के उनकी अपनी ज्ञान की आंखें खोलने के लिए जो इतना ये प्रयत्न कर सकते हैं ये प्रयत्न करना चाहेंगे। ऐसी शुभ भावना रखना तो उच्च कोटि के ही आदर्श व्यक्ति ही कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप जो अच्छे लोग होते हैं वो रियली अच्छा करके दिखाते हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना है दीपांशु जी, और मैं अपने जो कुछ हमारे कैंडिडेट्स हैं इनको मैं समय अब दूंगा, यदि ये कुछ पूछना चाहें तो। हाँ बच्चे आप कोई पूछना चाहते हैं, संदीप, संतोष जी, आशीष, शुभिन, क्योंकि कुछ बच्चे हैं क्लास में, पंकज हैं, शिवाय, ओम है, पवन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं इनसे तो आप पूछें, क्योंकि ऐसा लाइव प्लेटफॉर्म और ऐसा रियल व्यक्ति तो आपको कम मिलेंगे जो अपनी ओपन सीक्रेट यहाँ पे अपनी कामयाबी को आपके सामने खोल कर बताए, खुली किताब। बाईस 1%। और कोई बच्चा? किताब है, फायदा
और कोई बच्चों भी और भी अपना जिज्ञासु बच्चे हैं वो भी पूछ सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा से सुना और सीख भी रहे हैं। और कोई बच्चे के मन में कुछ डाउट है तो पूछ लें। बाकी दीपांशु जी तो खुले दिल के व्यक्तित्व हैं, आप इनसे और भी बाद में भी बात करना चाहें तो ये शायद आपको हाँ हाँ और भी कोई पंकज या आशीष कोई बच्चे आप भी कुछ उसके बाद फिर कुछ कोर्सेज
और भी कोई बच्चे पूछें या क्लास आज क्लोज करें, बोलें आप लोग बच्चे, बाद में भी आप दीपांशु जी को इनका अनुभव ले सकते हैं। हाँ, और किसी बच्चे को विशेष कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, क्योंकि समय सबका सदुपयोग करना है। दीपांशु जी विशेष, क्योंकि ये अभी तो अधिकारी हैं, इनको अपना समय बहुत ही बहुमूल्य हो गया है ना। तो कुछ पूछना है बच्चे कि आज क्लास को क्लोज करें धन्यवाद देते हुए? बोलो बच्चे, कुछ पूछना है? ठीक है, आपने इनको इतना मंत्रमुग्ध कर दिया है और इतना इनको आपने अपने दिल की बात और सीक्रेट्स आपने इनको डिस्क्लोज किए हैं, ये उस पर विचार सागर मंथन करेंगे और आगे आवश्यकता हुई तो आपसे ज़रूर ये फिर मिलना चाहेंगे, पूछेंगे। हाँ 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 और ठीक है दीपांशु जी, आपको पुनः पुनः ऑलराउंडर क्लासेस की तरफ से और सभी जो हमारे बच्चे अभी क्लास में पार्टिसिपेट किए उनकी तरफ से और जो नहीं आए उनकी तरफ से भी आपको विशेष विशेष याद प्यार, और आने वाले जीवन में आपको ऊंचाइयों को प्राप्त करें ऐसी शुभ भावना और शुभकामना। थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम विक्ट्री है और आप विक्ट्री पे आगे बढ़ते रहें ऐसी शुभकामना पुनः पुनः। थैंक यू दीपांशु जी, ओके जी, हाँ थैंक यू, थैंक यू।